इंडिपेंडेंस डे। तो आज मैं अभी हूँ करोल बाग अपनी इन-लॉज के घर। तो वहाँ पर छत पर हम चढ़े थे पतंगे उड़ाने के लिए, लेकिन जैसे पहले होता था ना कि पूरा जो आसमान था पतंगों से भरा हुआ होता था, मतलब हर जगह पर पतंगे ही नज़र आती थी छत पे, मतलब जैसे ही छत पे चढ़ते थे हम ऊपर आसमान में। बट अब ऐसा नहीं था, बहुत कम पतंगे थी, लोग उड़ा रहे थे। हाँ, म्यूज़िक सबने बजा रखे थे, बहुत मतलब साउंड उसका बहुत जो है ना तेज किया होता, लेकिन पतंगे बहुत कम उड़ रही थी। तो हम भी वैसे तो चढ़े थे अपनी पतंगे उड़ाने के लिए, हमने उड़ाई भी और हमने कुछ लोगों की पतंगे काटी भी और कुछ ने हमारी पतंगे भी काटी। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोगों के जो शौक थे ना पहले, मतलब जो जो काम वो करते, जैसे पतंगे उड़ाते थे और जैसे गली के अंदर खेलते थे, वो सब चीज़ें ना बहुत कम हो गई हैं। अब लोगों के हाथ में मोबाइल होते तो वो ज़्यादा अपना टाइम जो है ना मोबाइल पर ही देना चाहते हैं, ना कि कोई एक्टिविटी करके। हालांकि पतंग उड़ाना भी एक एक्टिविटी होती है, बट अब के बहुत कम, मार्केट में ज़रूर लोग खरीद रहे थे पतंगे मांझा, लेकिन उड़ाने का मैंने इतना नहीं देखा करोल बाग में स्पेशली। और किसी जगह पे उड़ा रहे हो लोग तो मुझे पता नहीं, लेकिन करोल बाग में इतने लोगों ने नहीं पतंग उड़ाए, मतलब वो क्राउड नहीं था। और उसके बाद ये भी था कि हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी लोग छत पे चढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम खड़े थे तो हमें पता चल रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम भी आधा घंटे से ज़्यादा नहीं छत पे खड़े हुए, फिर हम नीचे चले गए थे। मैं स्पेशली देखने के लिए गई थी ऊपर पतंगे के भी लोग कैसे उड़ा रहे हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, और आप भी इन्जॉय कीजिएगा। और अगर आपके पास भी पतंग है, आप उड़ाना चाहते हैं, तो आप भी अपने छत पे जाके उड़ाइएगा। ज़रूरी नहीं है 15 अगस्त पे ही उड़ाना है, 15 अगस्त के बाद 2-4 दिन तक आप उड़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।